बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग पर देश भर में सियासत शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े लहजे में जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह कभी संभव नहीं हो पाएगा, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। वहीं मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी यह दावा किया कि बागेश्वर बाबा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की भरी हुंकार, बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर सीएम नीतीश का पलटवार, बोले सीएम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ये जयघोष हिंदू राष्ट्र बनाने की है। एक कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ललकार भरी। बोले, जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप लोग अब तिलक लगाकर बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर धाम ने ललकार भरते हुए कहा कि भारत नहीं तो क्या बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हमने कहा जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाकर प्रतिदिन घर से निकलो। उसके पहले निकलना ही मत। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश होगा। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। कड़े लहजे में कहा, ये कभी संभव नहीं है, हम सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी बागेश्वर बाबा पर हमला किया। बोले, उनका जो सपना है वह पूरा नहीं होगा। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर के किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सारे लोगों की समावेश से यह हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर देश भर में सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे विचारों को हवा देने का क्या मतलब है। पटना से निषेध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।